हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हम लोग इकोनॉमिक सर्वे बिहार का अभी देखने जा रहे हैं। इसके पहले बिहार स्पेशल आपको प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस मिल जाएंगी। हमने प्रैक्टिस सेट भी काफ़ी कर लिए हैं, तो रिवीजन का ये एक बहुत अच्छा तरीका है। और ये एडुटेरिया बिहार आर्थिक सर्वेक्षण बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार किया गया है। मार्केट में आपको कहीं भी मिल जाएगा, आप परचेज कर सकते हैं। और सुन के अभी देखेंगे और सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। पढ़ने का ये एक बहुत अच्छा तरीका है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गंवाए, और बहुत ही बढ़िया से देखेंगे जो जो फैक्ट एग्ज़ाम में पहले आ चुके हैं वो सब को हम लोग याद करेंगे। 25 फरवरी को बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारा किशोर प्रसाद ने बिहार विधानसभा में 16वां आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया, और इसे 13 अध्यायों में बांटकर पेश किया गया। सब जरूरी नहीं है, लेकिन आपको ये इम्पॉर्टेंट है कि 25 फरवरी को ही पेश किया गया, और वित्त मंत्री कौन है, तारा किशोर प्रसाद। पहले बिहार की अर्थव्यवस्था का हाल चाल देखिए। इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है इसको समझिए, चाहे वो भारत का हो या चाहे वो बिहार का हो, पिछले साल का इकोनॉमिक सर्वे होता है, यानी कि क्या हाल है इकोनॉमी का। अर्थशास्त्री इसे बनाते हैं, जो वित्त विभाग होता है वो इसे प्रिपेयर करता है, लेकिन पिछले साल का जायजा जो लिया जाता है वो सर्वे में लिया जाता है। सर्वे क्या किसका होता है, जो हो चुका है, और जो बजट होता है वो आपकी सरकार के पास जितनी भी पैसे हैं उसको कैसे खर्च करना है, यानी भविष्य के दिनों के लिए होता है। तो ये दोनों चीज़ों में अंतर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार का GSDP कितना प्रतिशत बढ़ा है, तो ये 2.5% बढ़ा है 2020-21 तक। अब इसको पूछता है बिहार में, स्पेशली संख्या से बहुत लगाव है बिहार के किसी भी एग्जाम को। बिहार का GSDP 618, 630 आपको याद रखना है, और स्थिर मूल्य पे 419, 68। अब स्थिर मूल्य क्या है, वर्तमान में मूल्य क्या है, स्थिर मूल्य मतलब 2011-12 को हम बेस ईयर मान के चलते हैं। अब ये बेस ईयर होता है कि उस ईयर को एक स्टैंडर्ड मान लिया, और उस ईयर से देखेंगे कितना बढ़े हैं, और ये जो वर्तमान मूल्य होता है पिछले साल से हम कितना बढ़े हैं। दोनों में अंतर समझ में आ गया, बहुत इजी लैंग्वेज में हम लोग समझेंगे और याद करते चलेंगे। तो ट्रिक याद करने का क्या है, 618, 630 और 419, 68। अब दशमलव तो लगाना पड़ेगा ना, हजार करोड़, ये बाजार करोड़ लिख दिया तो हजार करोड़ होगा। बिहार का नेट SDP मतलब कि नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट 566.47 हजार करोड़, और स्थिर मूल्य पे 379.55। देखिए ये कम चांस है कि पूछा जाएगा, लेकिन याद कर लीजिए, हो सकता है पूछ लिया जाए। नेट में थोड़ा सा कम है, 566.47 है, और अगर स्थिर मूल्य पे पूछे तो 379.55 है। एक बार देखे रहेंगे सुने रहेंगे तो याद हो जाएगा। GSDP आई थिंक आपको अभी तक याद भी हो गया होगा। प्रति व्यक्ति GSDP बहुत ही जरूरी है, 50,555। कन्फ्यूजन आपको ये दे देगा एग्जाम में कि 55,055 कर देगा, ठीक है, 50,055 कर देगा, 5,5 फिर 5,055 कर देगा, कई तरीके से लिखेगा कि नहीं। बिहार ये खेलता है इस तरीके से कई एग्जामों में। आपको क्या याद रखना है, 50,555, ठीक है, बीच में कहाँ पे जीरो है, 50, बस 50 के लिए ही जीरो है, उसके अलावा कहीं भी जीरो नहीं है। इस पूरे डिजिट में 4 बार 5 का इस्तेमाल हुआ है। और स्थिर मूल्य पे बात करें तो 34,314, ये भी एक डिजिट याद रखना है। प्रति व्यक्ति NSDP में थोड़ा कम हो जाएगा, 46,292, और अगर स्थिर मूल्य पे 31,017। अब आ जाते हैं कंट्रीब्यूशन, यानी देखते हैं कौन सा कंट्रीब्यूशन। आपको पता ही है कि जितने भी क्षेत्र हैं सब मिलाकर 100% कंट्रीब्यूशन सहयोग करते हैं सकल घरेलू उत्पाद में। प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा 19.5%, द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा 19.5%, सॉरी 19.2% है प्राथमिक क्षेत्र, मतलब एग्रीकल्चर फिशरीज ये सब 19.2, 19.5 द्वितीय क्षेत्र, और तृतीय क्षेत्र। अब ये दोनों को जोड़ दो और 100 में से घटा दो, अगर तीसरा नहीं भी याद हो तो निकल जाएगा। तो इसको याद करने का ट्रिक मैंने ये दिया है, 19.2, 19.5 और 61.2, ठीक है। अगर इस तीनों को जोड़ भी देते हैं तो 5 और 2 7 और 2 9, ठीक है, आप सोचो कि 0.9 ही आता है। दरअसल ये इसके बाद भी कुछ कुछ डिजिट हैं, और ये सबको जोड़ेंगे तो अल्टीमेटली जीरो आ ही जाएगा, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 2016-17 से 2020-21 तक अवधि में विभिन्न क्षेत्र की वृद्धि दर भी इस बार दी गई है, मतलब पिछले 5 साल का रिपोर्ट कार्ड एक तरीके से दिया गया है। और इस क्षेत्र में, इस सत्र में, पिछले 5 साल में 2.3% की वृद्धि प्राथमिक क्षेत्र में, और
4.8% और तृतीय क्षेत्र में 8.5% की वृद्धि बताई गई है। वर्ष 2019 से 20 में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति जीएसडीपी वाला जिला पटना है। 1.31 लाख रुपया प्रति व्यक्ति यहाँ पे लोग कमाते हैं और ये सबसे ज्यादा कहाँ है, पटना। सबसे कम हो जाएगा शिवहर, 19,000 रुपया मात्र है। अब ये आपको लिस्ट याद रखना है, प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक पटना, सबसे कम द्वितीय स्थान पे बेगूसराय, प्रति व्यक्ति आय सबसे कम शिवहर, द्वितीय स्थान पे शिवहर के बाद अररिया है। पेट्रोल का सर्वाधिक खपत पटना, दूसरे नंबर पे मुजफ्फरपुर। पेट्रोल का सबसे कम खपत होता है बांका जिला, वैसे भी काफ़ी कम वहाँ पे पॉपुलेशन और लोगों की हलचल है। बांका और शिवहर में सबसे कम पेट्रोल की खपत। डीजल का सर्वाधिक खपत शेखपुरा में होता है और द्वितीय स्थान पे है पटना में। यहाँ देखिए आप कंफ्यूज हो जाइएगा, पेट्रोल डीजल दोनों अगर पटना याद करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। डीजल में पटना सेकेंड पे आ गया, शेखपुरा डीजल में टॉप कर गया, ठीक है जी। ओके, चलिए लाइक भी करते चलना है दोस्तों, और आपको अगर चैनल अच्छा लग रहा है, सारी चीज़ें रिवीजन हो रही हैं, तो सब्सक्राइब भी करिएगा। प्लेलिस्ट है हमारा जिसमें ढेर सारे प्रैक्टिस सेट हैं, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी प्रैक्टिस भी करते चलना है। डीजल का सबसे कम खपत किशनगंज में हुआ है और दूसरे नंबर पे है शिवहर। तो सबसे ज़्यादा शिवहर और किशनगंज में ऊपर और नीचे वाले में है, ऊपर में सबसे ज़्यादा खपत में शेखपुरा और सबसे नीचे वाले में किशनगंज। रसोई गैस का सबसे अधिक खपत पटना, ठीक है, और रसोई गैस की सबसे कम खपत अररिया में। रसोई गैस मतलब सिलेंडर की बात हो रही है, ये बस डेटा थोड़ा ध्यान रखेंगे याद हो जाएगा। वैसे सबसे ज़्यादा जरूरी इसमें पहला वाला दोनों है। चलिए आ जाते हैं, पटना जिले का प्रति व्यक्ति जीएसडीपी सकल जिला घरेलू उत्पाद शिवहर के प्रति व्यक्ति जीएसडीपी के तुलना में लगभग कितना गुना है। तो ये तो आप देख चुके हैं, 19 से 1.3 मतलब 131 को गुना करेंगे तो 7 गुना हो जाएगा। तो पटना और शिवहर में कितने का अंतर हो गया, 7 का अंतर हो गया। समझ में आ रहा है आपको, ये आपके लिए काफ़ी फायदे का होने वाला है। अगला है, सितंबर 2020 से सितंबर 2021 के बीच बिहार की वार्षिक मुद्रास्फीति दर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, मुद्रास्फीति मतलब महंगाई जिसे कहते हैं, ये शहरी के लिए 4.9 और समग्र 3.1 रहा। इन्फ्लेशन जिसे कहते हैं, इन्फ्लेशन ये कितना रहा, 2.8% ग्रामीण, 4.9% शहरी एंड 3.1% समग्र मतलब टोटल। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मुद्रास्फीति दर बिहार में कम या, लेकिन शहरी क्षेत्रों में बिहार की मुद्रास्फीति दर की भारत से अधिक थी। अब इसमें कई सारे अध्याय हैं, ये तो हो गया बेसिक ओवरव्यू। अध्याय दो देख लेते हैं, राजकीय वित्त व्यवस्था। इसमें सरकार का कुल व्यय किया गया है 1,65,696 करोड़ और पिछले वर्ष की अपेक्षा ये 13.4% अधिक है। पूंजीगत व्यय की अगर बात करें तो ये इतना बढ़ा है और राजस्व व्यय में भी इतना बढ़ा है। कुल प्राप्तियों की अगर हम बात करें तो इतनी प्राप्ति हुई है, ये नहीं पूछा जाएगा। ये अगर पूछा भी जाता है डेटा तो बजट का पूछा जाता है, ठीक है। 2020-21 में कुल व्यय जीएसडीपी का इतना परसेंट हो गया, जीएसडीपी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट राज्य सकल घरेलू उत्पाद, ये कुल व्यय जो है खर्चा, ये जीएसडीपी का 26.8% हो गया है, जो कि इतना था। अब 2019-20 में नहीं जाना है आपको। सामान्य सेवाओं पे 46,239 करोड़, सामाजिक सेवाओं पे सबसे ज़्यादा खर्च हुआ है 63,808 करोड़ और आर्थिक सेवाओं पे 29,445 करोड़। तो अब इतना डेटा तो याद नहीं रहेगा आपको, आपको सिर्फ याद रखना है सामाजिक सेवा पे सबसे ज़्यादा खर्च हुआ है। ठीक है, आइए अब ये डेटा भी पढ़ सकते हैं, बट ये आपको इतना याद रहेगा नहीं। बिहार सरकार की कुल बकाया देनदारी मतलब कि जो उन पे लायबिलिटी है, वो 2,27,196 करोड़ रुपए थी, जो जीएसडीपी की 36.7% थी। संचित निधि के खाते से उधार लेने के कारण लोक ऋण यानी पब्लिक डेब्ट देनदारी वर्ष 2000 कुल देनदारी का 78% थी। सोचिए इतना बढ़ गया, पब्लिक डेब्ट जो होता है कर्जा, 78% बढ़ के 78% हो गया। राजस्व घाटा देख लेते हैं कितना है, 2020-21 में 11,325 करोड़, राजकोषीय घाटा 29,827 करोड़, प्राथमिक घाटा 17,343 करोड़। अब ये प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा ये क्या होता है, इसके रिगार्डिंग हम वीडियो लेकर के आएंगे आपके लिए, ये तीनों को समझने के लिए। प्राथमिक घाटा समझिए सीधा, जितना राजस्व आता है
और जितना राजस्व आया कम और गया ज़्यादा, मैंने जितना आया पैसा उससे ज़्यादा चला गया तो राजस्व घाटा में चला गया। फिर उसमें से कुछ चीज़ों को घटाएंगे जोड़ेंगे तो ये दोनों प्राप्त होंगे, लेकिन ये काफ़ी जटिल हो जाएगा आपके लिए अभी। तो सिंपल याद रखिए, पूरा एग्जैक्ट नहीं याद रखना है। राजस्व घाटा 11 से शुरू है, राजकोषीय 29 से शुरू है, प्राथमिक 17 से शुरू है। अध्याय 3, कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र। कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र की वृद्धि दर, मत्स्य पालन ये सब दिया हुआ है। और इसमें बेसिकली फसल का कौन उपजाऊ है सबसे ज़्यादा ये पूछेगा। 2017 से 2016 17 से 2020-21 के दौरान का डेटा दिया गया है। अगर 2020-21 में कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र का सकल राज्यगत मूल्यवर्धन यानी ग्रॉस एस्टेट VA अगर कितना प्रतिशत था, तो ये 19% था। संवर्धन जिसे कहते हैं, GSDP जैसे होता है वैसे ही वैल्यू एडेड निकालते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड। 2012 से अब तक राज्य में कितने कृषि कर्मण पुरस्कार जीते गए हैं बिहार के द्वारा, तो ये 5 जीत लिए गए हैं। खाद्यान्नों का कुल उत्पादन अनुमानित 17.95 लाख टन, ये जरूरी है आपके लिए, पढ़ लीजिएगा। अब ये सब इतना माइन्यूट चीज नहीं पूछेगा। जैविक पट्टी कितने जिलों में विकसित की जा रही है, 13 जिलों में VVI है, याद कर लीजिए, 13 जिलों में जैविक पट्टी ऑर्गेनिक पट्टी बनाया जा रहा है। और बागवानी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के कुल कितने जिलों में समेकित बागवानी विकास मिशन, तो 23 जिलों में चल रहा है। मुख्यमंत्री बागवानी विकास योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है 15 जिलों में, मुख्यमंत्री लगा है तो 15 जिलों में, और समेकित की अगर हम बात करें तो 23 जिलों में ये लगा हुआ है। बिहार में डिजिटल कृषक सेवाएं देने के लिए बिहार कृषि विभाग द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, इसका नाम है बिहान मोबाइल ऐप। बिहान मतलब बिहार, बिहान कहते हैं अगले दिन की सुबह को, ये लोकल लैंग्वेज में बिहार के। तो बिहान ऐप कृषि विभाग द्वारा शुरू किया गया है, ये आपके काम का हो सकता है। सकल फसल क्षेत्र 72.97 लाख हेक्टेयर, शुद्ध बुआई क्षेत्र, शुद्ध बुआई 50.77, और फसल सघनता यहाँ 144% है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है आपके लिए। सकल फसल क्षेत्र मतलब ग्रॉस क्रॉप एरिया ज़्यादा है, शुद्ध बुआई 50.77, और फसल सघनता ये इंपॉर्टेंट है, फसल सघनता 144%। अगला है सकल सिंचित क्षेत्र 54.35 लाख हेक्टेयर। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जल जीवन हरियाली अभियान के तहत लक्ष्य पारंपरिक जल स्रोतों को बहाल करना, ये लक्ष्य है, नए जल स्रोतों का निर्माण करना। मांस का उत्पादन कितना हुआ ये इतना डेटा याद नहीं रहेगा, तो आपको बस देखते चलना है, ठीक है। अब ये परसेंटेज में दिया, शुद्ध बुआई क्षेत्र 54.2% है, सबसे ज़्यादा कितना है शुद्ध बुआई क्षेत्र इस बार का 54.2%। कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि मतलब भूमि यहाँ पे जो है ये 23.1%, इस पर कृषि नहीं हो सकती। परती जिसे कहते हैं मतलब खेती तो होती है, लेकिन इस साल इसे परती छोड़ दिया गया, ये 12.7% है। और वन है 6.6 पे, और वर्तमान परती को छोड़ के ये नहीं, सिर्फ आपको शुद्ध बुआई क्षेत्र याद रखना है 54.2%। चलिए क्या क्या काम का है नोट भी कर सकते हैं आप अपने। और वर्ष 2019-20 किन दो जिलों में निवल बुआई क्षेत्र 80% से अधिक था, निवल बुआई मतलब उनका जो एरिया है उसमें 80% से ज़्यादा जगह पे खेती किया गया था, तो बक्सर और भोजपुर, आरा को भोजपुर कहते हैं, बक्सर और भोजपुर में 80% से ज़्यादा निवल बुआई क्षेत्र है। फसल सघनता सर्वाधिक शिवहर में है जहाँ मनुष्य की भी सघनता ज़्यादा है, और सबसे कम गया में, गया गर्म प्रदेश है तो वहाँ फसल सघनता सबसे कम है। अब देखिए फसल के उत्पादन और उत्पादकता, उत्पादन का मतलब होगा कि चावल का उत्पादन ओवरऑल अगर किलो के वजन से देखें तो कौन ज़्यादा करता है। उत्पादकता मतलब उसके प्रति हेक्टेयर क्षेत्र में वो कितना ज़्यादा उपजाता है। मान लो जैसे पश्चिमी चंपारण 1 हेक्टेयर में 10 KG उपजाता है, और पूर्वी चंपारण 1 हेक्टेयर में ही 20 KG उपजाता है, तो अंतर हो गया। तो पूर्वी चंपारण वैसे ही उत्पादकता को हम लोग मेजर करते हैं, कौन हेक्टेयर भर में सबसे ज़्यादा उत्पादन देता है। चावल में रोहतास सबसे ज़्यादा उत्पादन कर रहा है, लेकिन पश्चिमी चंपारण उत्पादकता में, चावल और गेहूँ में दोनों में टॉप कौन सा है, रोहतास है, ये ध्यान रखना है, याद करने का सबसे बेस्ट तरीका। उत्पादकता में पश्चिमी चंपारण और बेगूसराय, मक्का में कटिहार और अररिया,
मक्का में किसको याद करना है? मक्का कटिहार सबसे ज़्यादा उत्पादन करेगा, और अररिया उत्पादकता में, दलहन पटना और जहानाबाद उत्पादकता में। वर्ष 2020-21 के कुल उत्पादन में सर्वाधिक तीन उत्पादन फल, केला आम, ये आप देख लीजिएगा, फल में उत्पादन इतना हुआ है, आंकड़े हैं आपके पास कुल उत्पादन का। फिर बात कर लेते हैं, ईख का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिमी चंपारण में होता है, अकेले 35-53% ईख जो है पश्चिमी चंपारण में होता है। लीची का सर्वाधिक उत्पादन मुजफ्फरपुर में, पूरे बिहार का 48%। ऊन का कुल उत्पादन 1 लाख किलोग्राम और 1.7 लाख किलोग्राम। फिर बात करेंगे 2019 में पशुओं की कुल संख्या इतनी लाख थी, ये सब नहीं पूछेगा। सर्वाधिक रासायनिक उर्वरक की खपत यूरिया की हुई है, यूरिया की खपत सर्वाधिक हुई है रोहतास में, और एनपीके जो होता है, एनपीके नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास जिसको कहते हैं, इसकी खाद को एनपीके कहते हैं, और ये पूर्णिया में सबसे ज़्यादा हुआ है, लेकिन रोहतास में यूरिया की खपत सबसे ज़्यादा। सीधा याद रखना है कि चावल और गेहूं का जहाँ सर्वाधिक उत्पादन हुआ है वहीं यूरिया की सबसे ज़्यादा खपत होगी, खेती में यही लागू होता है। सबसे कम हुआ है शिवहर में। अब उद्यमिता क्षेत्र में आएंगे हम लोग, तो उद्यमिता यहाँ बहुत ही कम है। 11 चीनी मिलें हैं जिसमें 10 मिलें चालू थी 2020-21 में, और अगर भारत आज़ाद हुआ तो उस समय बिहार में चीनी मिल सबसे ज़्यादा थी। कॉम्फेड द्वारा खुदरा बिक्री केंद्रों पर बेचे जाने वाले महत्वपूर्ण उत्पाद जो है ये दूध है। दूध की बिक्री प्रतिदिन कितनी हो गई? तो ये इतना लीटर हो गया। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 30 सर्वाधिक आकर्षक उद्योग है इथेनॉल, नवीकरणीय ऊर्जा और खाद्य प्रसंस्करण, VVI है आपके लिए, ये याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें बहुत सारे डेटा दिए होंगे लेकिन आपके काम का नहीं है। मेन आपको याद रखना है कि तीन पिलर कहा गया है, सर्वाधिक आकर्षक उद्योग इथेनॉल, नवीकरणीय ऊर्जा और खाद्य प्रसंस्करण। रेशम के उत्पादन में बिहार का क्या स्टेटस है देख लेते हैं। इत्तेफाक से रेशम अच्छा खासा उपजता है कई जिलों में, मलबरी रेशम और तसर रेशम, ठीक है, अंडी रेशम ये सब जगह का है, लेकिन ये याद रहेगा नहीं। सहरसा में याद रखिए मलबरी, सहरसा मलबरी, तसर बांका और अंडी रेशम मुजफ्फरपुर, ये सर्वाधिक उत्पादक करता ये लोग हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान है, एक टाइगर रिजर्व है और 13 वन्य जीव अभयारण्य है, जिसका टेलीग्राम में हमने फोटो भी भेजा था, और दो संरक्षण आरक्षित और एक सामुदायिक आरक्षण मौजूद है। श्रम रोजगार एवं कौशल देख लेते हैं। भारत के प्रमुख राज्यों में बिहार का श्रमिक जनसंख्या अनुपात, मतलब लेबर पार्टिसिपेशन रेशियो, वर्कर पार्टिसिपेशन रेशियो होता है WPR, W फॉर वर्कर पार्टिसिपेशन रेशियो, ये पूरे भारत में सबसे कम है। मतलब यहाँ के पुरुष और महिलाएं जो वर्किंग जनसंख्या है उसमें सबसे कम पार्टिसिपेट करते हैं। महिला श्रमिक जनसंख्या अनुपात में ग्रामीण बिहार में महिला श्रमिक 9.8% है और शहर में 7.8% है। संपूर्ण भारत में तो देख लीजिए, अगर ग्रामीण में बात करें हम तो 24.6% महिलाएं हैं, लेकिन और शहर में 15.5, तो यहाँ दोनों में कम है। पुरुष श्रमिक जनसंख्या अनुपात ये भी आपको याद नहीं रहेगा, सिंपल याद रखना है कि सबसे कम है, बहुत डेटा हो जाएगा दिमाग में फुल होने लगता है। समग्र बेरोजगारी का अनुपात 5.7% दिखाया गया पुरुष श्रम शक्ति के लिए 6.2% और महिला श्रम शक्ति के लिए 1.8%। उन्नीस बीस में बिहार में कितने प्रतिशत पुरुष श्रमिक स्वनियोजित थे, सेल्फ एम्प्लॉयड? 59.9%। बिहार में कितने प्रतिशत महिला श्रमिक स्वनियोजित थी? तो ये 51.7%। इतना डेटा आपके लिए काफी है। बिहार में व्यक्तियों की निर्भरता अनुपात भारत में सर्वाधिक है, ये VVI है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगर निर्भरता, डिपेंडेंसी रेशियो इसको कहते हैं, मतलब यहाँ के लोग, सिंपल समझिए, एक आदमी कमाता है तो घर में चार पांच लोग खाने वाले हैं, चाहे रीजन कुछ भी हो सकता है, वहाँ के बच्चे उनके घर में ज़्यादा हैं, माँ बाप बूढ़े हैं, तो ये सबसे ज़्यादा बिहार में। और सबसे कम निर्भरता अनुपात तेलंगाना में है, वहाँ सबसे कम निर्भर लोग हैं दूसरे पे।
बिहार के किस जिले में पासपोर्ट की मांग सर्वाधिक है? सिवान और गोपालगंज में पासपोर्ट की मांग सबसे अधिक है। किस जिले में? ये याद रखना है डेटा, सिवान और गोपालगंज में। ठीक है, बिहार में कुशल मानव शक्ति जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामर की नियुक्ति कौन करता है? बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम लिमिटेड। अब आ जाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे और अधिसंरचना पे एवं संचार पे। हमने पहले ही देखा था कि कितने इसके पार्ट हो जाएंगे, इसके पार्ट हो जाएंगे कितने, 13 अध्याय में बांटा गया है। तो ये भी पूछ सकता है कि कितने अध्याय में इस बार का इकोनॉमिक सर्वे बांटा गया था। गत दशक 2011 से 20 के दौरान परिवहन भंडारण एवं संचार के क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि राज्य में दर्ज हुई, वो है बिहार में। देखिए, चूंकि जहाँ विकास नहीं है वहाँ पे विकास सबसे ज़्यादा होगा ही, तो ये बिहार में दर्ज हुआ है। परिवहन क्षेत्र हो या भंडारण क्षेत्र हो या संचार क्षेत्र हो, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस बीपीएससी का आप क्वेश्चन देखेंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछ चुका है। प्रति 1,000 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल पर 3,086 किलोमीटर पथ घनत्व के साथ बिहार का स्थान भारत में तीसरा है। पहला केरल, दूसरा पश्चिम बंगाल। पथ मतलब रोड, अगर रोड अवेलेबिलिटी की बात करें तो बिहार का स्थान पूरे भारत में तीसरे नंबर पे आ गया है, 3,086 किलोमीटर। ठीक है, पहला केरल, दूसरा वेस्ट बंगाल। और राष्ट्रीय औसत पथ घनत्व की बात करें तो ये 1,617 किलोमीटर प्रति 1,000 वर्ग किलोमीटर है, और बिहार में कितना है? 3,086। ठीक है, औसत इंडिया का हो गया 1,617, तो बिहार तीसरे नंबर पे है, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। बिहार में 2015 से 21 के बीच में 45,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण हुआ है, ये कम चांस है कि पूछेगा, ये भी बहुत कम चांस है। ठीक है, अब 6 से 21 के बीच में इतना बड़ा 1.64 लाख किलोमीटर पक्की सड़कों वाला बिहार पूरे भारत में 10वां स्थान पे है। 2.91 किलोमीटर सड़कों कुल लंबाई बिहार का पूरे भारत में 8वां है, मतलब टोटल सड़क को अगर हम जोड़ दें तो ये भारत में 8वें नंबर पे है। और सड़क घनत्व की बात कर लें अगर वर्ग किलोमीटर के हिसाब से, तो ये कितना हो जाएगा? 45, तीसरे नंबर पे। ठीक है, बिहार में राष्ट्रीय उच्च पथों का घनत्व 58 किमी प्रति 1,000। उच्च पथ मतलब नेशनल हाईवे, ये डेटा याद रखना है कि नेशनल हाईवे की जो लंबाई घनत्व है ये 58 किलोमीटर प्रति 1,000 किलोमीटर है। राष्ट्रीय उच्च पथों की संपूर्ण भारत में लंबाई में बिहार का हिस्सा 4% रह गया है। अब नेशनल हाईवे जो बिहार में है, भारत भर 100% है तो बिहार में उसका मात्र 4% ही है। और अगर नेशनल हाईवे की कुल लंबाई पिछले 5 साल में 1,326 किलोमीटर बढ़ी है, तो 127 किलोमीटर सबसे ज़्यादा समस्तीपुर में बढ़ी है। एनएच की सर्वाधिक बिहार के किस जिले में है नेशनल हाईवे? तो ये पटना में है। ठीक है, और पहला जो एक्सप्रेसवे भी जा रहा है ये औरंगाबाद से दरभंगा तक पटना होकर के ही जाएगा। एनएच की सबसे कम लंबाई अगर बात करें तो सीवर, सीवर बहुत सारे रैंकिंग में कम पे है, बहुत चीज़ों में मैं देख रहा हूँ। ठीक है, आप प्रैक्टिस सेट भी हमारी आ रही है, देख रहे होंगे, प्रैक्टिस सेट भी हमने रिवीजन के लिए आपको ला दिया है। बिहार में एनएच की कुल लंबाई सितंबर 2021 तक कितनी थी? एनएच की कुल लंबाई 5,947 किलोमीटर। याद क्या रखना है, भारत में रैंकिंग है कुल रोड में 8वें नंबर पे। अगर घनत्व की बात करें, पथ की अवेलेबिलिटी के हिसाब से, तो तीसरे नंबर पे है, और पक्की सड़कों वाला पूरे भारत में 10वें स्थान पे है। ठीक है, अब बिहार में राज्य पथ यानी कि उच्च पथ नेशनल हाईवे का घनत्व 58 किलोमीटर प्रति 1,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड द्वारा दुनिया के 400 हवाई अड्डों में पटना हवाई अड्डे का कितना स्थान है? 86। बिहार में मार्च 2020 तक कितने डाकघर थे? 9,1 हजार, ये डाकघर थे। बिहार में मार्च 2020 तक रेलगाड़ी की लंबाई 3,009, ये 9वां स्थान रखता है देश में। रेल मार्ग की लंबाई 3,794, सड़क मार्ग 8 नंबर पे, रेल मार्ग 9 नंबर पे। इंटरनेट के ग्राहकों की संख्या की वृद्धि हुई है 234% 2015 से 2021 के बीच में, और 2021 में इंटरनेट ग्राहकों की कुल संख्या 5.5 करोड़ लोग यहाँ इंटरनेट यूज कर रहे हैं। दूरभाष घनत्व की बात करें तो 53.69,
सबसे ज़्यादा दूरभाष घनत्व तो दिल्ली, यानी ये दिल्ली में 270 है, तो यहाँ एक आदमी के पास 3 फोन है, और यहाँ पे बिहार में दूरभाष घनत्व तो 53.69 है। ठीक है जी, तो ये डेटा इस तरीके का पहले के एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आपको ये याद रखना है। चलिए ऊर्जा क्षेत्र में देख लेते हैं, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, बिहार में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत ये भी पूछा गया था 2020-21 में, 350 किलोवाट आवर रह गई है प्रति व्यक्ति, अगर एक आदमी बिजली जो खपत करता है वो 350 पहुंच गया है। ठीक है, राज्य में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत 6 वर्ष में वृद्धि अगर बात करें तो 72.4% हुआ है। चरम मांग 2020-21 में 5,995 मेगावाट पहुंच गई थी, चरम आपूर्ति भी पहुंचा दी गई थी, और बिजली इसलिए ज़्यादा खपत नहीं हो पा रहा है, इतना ही बहुत कम है। अगर राज्य के स्टेट मतलब पूरे दुनिया भारत के स्तर से देखेंगे तो यहाँ इंडस्ट्री है नहीं, तो बिजली तो मेन रूप से वही खर्च होता है। बिहार राज्य में बिजली की उपलब्ध क्षमता वर्ष 2020-21 में कितनी मेगावाट थी, तो उपलब्ध क्षमता देखिए 6,422 है, और खर्च कितना हुआ, खर्च था 5,955। बिहार में बिजली वितरण कंपनी के लिए दो ही कंपनी है, उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी और दक्षिण बिहार विद्युत वितरण, ये दो कंपनी हैं। बिहार में अभी कितने लघु जल विद्युत परियोजनाएं लागू हैं, तो ये 13 लघु जल विद्युत परियोजनाएं हैं जो 54 मेगावाट लगभग प्रोड्यूस करते हैं। बिहार में सौर संयंत्रों की स्थापना के लिए नोडल अभिकरण कौन है, तो ये ब्रेडा है, BREA, बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी। 2020-21 में ऊर्जा की इतनी करोड़ यूनिट की जरूरत थी, ये सब आपको काम नहीं आएगा। बिजली की सर्वाधिक खपत कहाँ हुई है, वृद्धि ये बक्सर में हुई है, बिहार का एकमात्र ऐसा जिला जहाँ बिजली की खपत पिछले वर्ष में 5% घट गई, तो ये पटना में बिजली की खपत घट गई है, क्योंकि वहाँ लॉकडाउन वगैरह की वजह से कई सारी फैक्ट्रियाँ छोटी बहुत जो थी वो बंद हुई, लोग वहाँ मतलब लड़के जो है अपना घर छोड़ के वापस आ गए, तो बाकी जगह तो बढ़ गया बिजली खपत, लेकिन पटना में ही कम हो गया, फिर बढ़ जाएगा ये ध्यान रखना है, कम कहाँ हो गया, पटना में। ये सब डेटा को एक बार और रिवाइज कर लेना है ताकि आपका बढ़िया से हो जाएगा। अध्याय 8 देख लेते हैं, ग्रामीण विकास बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार कुल कितने लोग जॉब कार्ड धारक हैं, देख लीजिए, पूछेगा नहीं वैसे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पक्का मकान दिया जा रहा है, स्ट्रीट लाइट योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, और उसमें बिहार सरकार का जो स्वच्छ गांव, स्वच्छ समृद्ध गांव, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव जो योजना है उसके तहत स्ट्रीट लाइट दिया जा रहा है। लक्ष्य सभी गांव में सोलर लाइट लगवाना है, क्या नाम है इसका, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, किस लिए, सोलर लाइट के लिए, सौ से तीनों है, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव और सौ से सोलर लाइट, ये भी ब्रेडा कर रहा है, BREA, बिहार रिन्यूएबल एनर्जी यानी बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास प्राधिकरण। सितंबर 2021 तक जीविका के द्वारा गठन किए गए स्वयं सहायता समूह SHG जिसे कहते हैं, 10.3 लाख महिलाएं शामिल हो चुकी हैं, 10 लाख महिलाओं को इसमें शामिल किया जा चुका है, और जीविका ने अभी तक 245 प्रखंडों में 245 दीदी की पौधशालाएँ स्थापित की हैं। जीविका ने मनरेगा के सहयोग से 243 और पौधशालाएँ स्थापित करने की लक्ष्य रखी हैं। मिशन 5 करोड़ कार्यक्रम किस अभियान के तहत चलाया जा रहा है, जल जीवन हरियाली मिशन, देखिए 5 करोड़ पौधे लगाए जाने हैं जल जीवन हरियाली मिशन के तहत, 2021-22 में 5 करोड़ पौधे लगाना है, यही इसका टारगेट है, और इस योजना के तहत जीविका ने हरित जीविका हरित बिहार मिशन 1.5 शुरू किया है, जिसमें से 1.5 करोड़ पौधे ये लगाएंगे, टोटल जल जीवन हरियाली मिशन में 5 करोड़ पौधे लगाने हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सरकार ने जल जीवन हरियाली मिशन की शुरुआत 2019 में की थी, जल जीवन हरियाली मिशन बहुत ज़्यादा न्यूज में चल रहा है 2019 में। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार 2020 दिया जा रहा है औरंगाबाद जिला को, नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम पुरस्कार मोतीपुर ग्राम पंचायत रोसरा प्रखंड को दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा मोतीपुर ग्राम पंचायत, और दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार औरंगाबाद जिला परिषद को दिया गया है। अब आ जाते हैं नगर विकास पे, बिहार सरकारी सहकार शहरी केंद्र को पुनर्भाषित किया गया है,
सरकार शहरी केंद्र को 2021-22 के इस आर्थिक सर्वेक्षण में बिहार में अब शहरीकरण का वर्तमान स्तर हो गया 15.3%। सबसे इम्पोर्टेंट डाटा VVI है, आपको पूछा ही जाएगा। पिछले 5 साल में ये 11.3 था, अब 15.3 हो गया है। 32 पुराने नगर पंचायतों को नगर परिषद, 5 पुराने नगर परिषद को नगर निगम में बनाया गया। इसको थोड़ा साइड में लिखेंगे, 32 नगर जो पंचायत हैं, नगर पंचायत, ठीक है, इनको, इनका ऊपर वाला क्या हो जाएगा, नगर परिषद, उसमें बनाया गया। 5 नगर परिषद को नगर निगम, 5 नगर निगम को में भेज दिया गया है नगर परिषद वाले, ठीक है। कितने नगर परिषद के अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया गया, तो ये 12, और ये लिस्ट है 2284 ग्राम पंचायत पूरी तरह से और 205 ग्राम पंचायत आंशिक रूप से शहरी क्षेत्र में हो जाएंगे। इस सर्वेक्षण के अनुसार सितंबर 2021 तक बिहार में कितने शौचालयों का निर्माण किया जाएगा, 4.1 लाख। और इसमें बिहार सरकार हर परिवार को 4,000 रुपये केंद्रीय सहायता के अलावा 8,000 रुपये की सब्सिडी भी देता है। ODF मुक्त की अगर बात करें तो कितने शहरी केंद्र और वार्ड खुले में शौच से मुक्त हो गए हैं, तो 142 शहरी केंद्र और 3,367 वार्ड जो है ये ODF घोषित हो चुके हैं। मतलब यहाँ खुले में शौच करने कोई नहीं जाता है। पटना जिले में शहरीकरण का स्तर कितना हो गया है, 44.3%। पटना जिले में जो भी लोग हैं उसमें से 44% लोग शहर में रहते हैं। बैंकिंग और सहवर्ती क्षेत्र देख लेते हैं। प्रमुख बैंकों की नई शाखाएं 270 खोली गई, और इसमें अनुसूचित नई शाखाओं की कुल संख्या, तो ये सब नहीं पूछेगा। बट बिहार का ऋण जमा अनुपात 41.2% है और संपूर्ण भारत का ऋण जमा अनुपात 71.2 है। बिहार का एकमात्र जिले का ऋण जमा अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक रहा, वो है पूर्णिया से। मतलब जितने लोग ऋण लेते हैं उसको वापस करते हैं, उसमें पूर्णिया राष्ट्रीय औसत से भी ऊपर है, 71.7 राष्ट्रीय है और पूर्णिया यहाँ जरूरी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने हैं। 100% से अधिक जमा ऋण वाले अनुपात वाले तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु अमीर राज्य हैं। बिहार के किस जिलों को ऋण जमा अनुपात सबसे कम रहा, तो मुंगेर सबसे कम ऋण जमा, डेब्ट जो है या जो कर्जा लिया उन्होंने सबसे कम जमा किया मुंगेर में। 2020-21 में बैंकों ने कुल कितना किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया, तो इतना जारी किया ये जरूरी नहीं है। और बिहार का समग्र NPA 11.8 हो गया। मानव विकास की बात करें तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में कार्यशील आबादी 1559 वर्ष का हिस्सा 2021 के 53.5% से बढ़कर 2036 में कितने प्रतिशत होने का अनुमान है, 61.4%। जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसकी बात हो रही है। बिहार में जन्मकालीन जीवन संभाव्यता 2010 से 14 की तुलना में 2014 से 18 में 1 वर्ष की वृद्धि हुई है। पहले 68.1 था, अब 69.1 हो जाएगा। जन्मकालीन जीवन संभाव्यता 69.1 अभी है, 69.1। सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर 29 हो गया है, पूरे इंडिया का 30 है और एक बिहार का 29 है। बिहार में प्रति लाख आबादी पर कितने स्वास्थ्य केंद्र हैं, 12। 1 लाख आबादी पे स्वास्थ्य केंद्र कितने हैं, 12 है, ये भी याद रख सकते हैं। और बिहार के कोविड टीकाकरण अभियान के लिए अभियान गीत था, कर दिखाएगा बिहार, कोरोना को टीका लगाएगा बिहार, ये गाना भी आप लोग सुनते होंगे, कर दिखाएगा बिहार। बिहार में 10 करोड़ टीके कब पूरे कर लिए गए, तो दिसंबर 2021 में ही 10 करोड़ टीका का आंकड़ा पार कर लिया गया था दिसंबर में। राज्य द्वारा चलाए गए टीका एक्सप्रेस का नाम, टीका एक्सप्रेस क्या है, 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को घर जाकर टीका लगाना। यह मिशन जून 2021 में शुरू हुआ। प्रत्येक वाहन को प्रतिदिन 200 व्यक्तियों का लक्ष्य दिया गया था कि टीका लगाना है। बाल विकास की अगर हम बात करें तो बिहार का हर 5वां व्यक्ति किशोरावस्था में, मतलब 20% लगभग है, 19.8% यहाँ दिखा रहा है, ठीक है। सर्वाधिक किशोरवय आबादी तिरहुत प्रमंडल में, सबसे ज़्यादा बच्चे हैं किशोरावस्था में 10 से 19 वर्ष के, और सबसे कम भागलपुर प्रमंडल में। और बिहार के 9 प्रमंडल में 4 प्रमंडलों का किशोर लिंग अनुपात की बात करें जो औसत से अधिक है, तो सारण, मगध, पूर्णिया, पटना ये सब है।
बिहार में बाल बजट निर्माण की प्रक्रिया कब शुरू हुई? बाल बजट बनना शुरू हुआ 2013-14 में, पहला बाल बजट बनना शुरू हो गया, ठीक है। बिहार में बाल बजट 2013-14 में VVI है, याद रखिए। ICDS बिहार के कितने जिलों में चली है? 38 जिलों में। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये पता ही है आपको, समेकित बाल विकास सेवा सर्विस। इसके तहत दी जाने वाले कार्यक्रमों में पोषण ट्रैकर का उपयोग किया जाएगा, जो पोषण ट्रैकर मोबाइल आधारित ऐप है, और स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा विकास, बाल संरक्षण, बाल सहभागिता। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों स्वास्थ्य और पोषण के मूल्यांकन के लिए ठेंगनापन, स्टंटिंग, वेस्टिंग, अंडरवेट। देखिए, वास्टिंग जो होता है ऊंचाई के अनुसार कम वजन, उम्र के अनुसार कम लंबाई, ये स्टंटिंग कहलाता है। सर्वाधिक स्टंटिंग, ठिंगनापन यहाँ लिखा है, स्टंटिंग वाले सीतामढ़ी में बच्चे हैं, सर्वाधिक दुबलापन वाले बच्चे अरवल में, सर्वाधिक हल्कापन वाले बच्चे भी अरवल में। तो बस स्टंटिंग का याद रखिए सीतामढ़ी, बाकी दोनों अरवल। चलिए, प्रधानमंत्री मातृ वंदना स्कीम के तहत 5,000 रुपये दिए जाते हैं 3 किस्तों में, आपको पता होगा। और इसके अलावा सरकारी या निबंधित निजी अस्पतालों में प्रसव होने पर 1,000 रुपये और दिया जाता है। पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन या आपदा प्रबंधन, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020 में बिहार में औसत वर्षा इतना हुई थी। जल जीवन हरियाली मिशन वर्ष 2020 लगभग कितने पौधे लगाए गए? 3.92 करोड़ पौधे लगाए गए, लक्ष्य था तो कम ही था, लेकिन इतने पौधे लगा दिए गए। इस सर्वेक्षण के अनुसार बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पटना में कितने सतत परिवेशीय वायु गुण अनुश्रवण केंद्रों की स्थापना की? तो 5 है। इसमें से आई थिंक स्वच्छ वायु डैशबोर्ड आपके काम का है, प्रदूषण के खतरे को देखेगा। नेचर सफारी का उद्घाटन कहाँ किया गया? राजगीर में 26 मार्च को, और जू सफारी भी यहाँ बैठाया जाएगा। बाढ़ जिले प्रभावित जो हैं वो 19 जिले हैं, और 4 लाख रुपए कोविड से मृत्यु वाले लोगों को दिया जाएगा, अब ये 4.5 हो गया, ठीक है, पहले 4 ही लाख था। वर्ष 2020 में सर्वाधिक बिहार में वर्षा जो है वो किशनगंज हमेशा से हुआ है, द्वितीय सर्वाधिक वर्षा सुपौल, सबसे कम वर्षा इस बार अरवल में हुआ है। कहाँ याद रखना है? अरवल में सबसे कम वर्षा हुआ है, ठीक है जी। अब आग लगने की सबसे अधिक घटना मुंगेर में हुई है, और बिहार राज्य नम भूमि बोर्ड की स्थापना 2020 में हुई है। बेगूसराय जिले के कांवर ताल नम भूमि को, मैंने वेटलैंड को, ये नम भूमि शुद्ध हिंदी ही लिख दिया गया है इधर, वेटलैंड को 38वें रामसर साइट घोषित किया गया है। जल जीवन हरियाली मिशन के तहत 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य आपको पहले ही बता चुके हैं हम, और इसमें 3.88 लग चुके हैं। बिहार राजगीर जू सफारी 191.18 हेक्टेयर जमीन पर फैला है, और इसमें शाकाहारी भालू, तेंदुआ, बाघ, सिंह को रखा गया है। महावीर जैव विविधता पार्क जमुई में है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पार्क जो होता है, ये बायोडाइवर्सिटी पार्क जमुई में, महावीर जमुई याद रखिएगा। रबर डैम कहाँ बन रहा है जी? गया में बन रहा है। सर्वाधिक 2020 में सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में दर्ज की गई, और ये सर्वाधिक वर्षा 2020-21 सितंबर 2021 तक पश्चिमी चंपारण में दर्ज की गई, 2020 में किशनगंज, लेकिन 2021-22 में सितंबर 2021 तक अगर हम बात करें तो ये पश्चिमी चंपारण में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है। तो यहाँ दो तरीके के डेटा होंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, तो एक सिंपल याद रखो, अगर 2020 का पूछे तो किशनगंज तो हमेशा से है, और अगर उससे कम पूछे, जैसे यहाँ है 2020 का, अगर पूछे सितंबर 2021 तक तो पश्चिमी चंपारण है, वो भी होता है। 2016 से 20 में बिजली गिरने से 459 मौत हुआ। चलिए, तो ये इकोनॉमिक सर्वे का पार्ट हमने ख़त्म कर दिया, धीरे धीरे करके हम लोग सारा रिवाइज कर लेंगे। इसके अगले वीडियो में हम बजट का देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड, लास्ट तक देखने के लिए ज़रूर देखिए इसको। थैंक यू सो मच।